चंपावत पुलिस ने 10 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान खटीमा से टनकपुर आ रही कार को पुलिस ने रोका और वाहन में अवैध रूप से लाई जा रही हरियाणा ब्रांड की 10 पेटी शराब को बरामद किया। आज जो है खटीमा रोड पर मिर्चाई में चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान जो है एक गाड़ी को स्पीडोमीटर चेकिंग कर रहे थे। गाड़ी काफी स्पीड से आ रही थी, उसको रुकवा के चेक किया। जैसे चेक किया तो उसको उसका ड्राइवर उतर के भागा, तो शक हुआ तो हम सब लोग हमारे जो साथ कर्मचारी थे दौड़ के पकड़ा उनको। जब पकड़ने के बाद उसने तलाशी ली तो गाड़ी में 10 पेटी हरियाणा मार्का हरियाणा से आई हुई शराब जो थी वो बरामद हुई है। और इसमें हमने एक मुलजिम जो है बहादुर सिंह सोनम मंजीत सिंह निवासी प्रतापपुर थाना नाना गुप्ता को गिरफ्तार किया है और गाड़ी नंबर UK03A2020 नंबर की जो है ये I20 गाड़ी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंपावत से हरीश पांडे की रिपोर्ट।